अच्छा था ना। ध्यान करते रहना चाहिए, ध्यान करते करते हमारी जो चेतना है वो मजबूत होगी अंदर से। चेतना मजबूत होती है तो फिर बाकी सब चीज़ें जीवन में आराम से होने लगता है, ठीक है ना। वो भी इस समय पर सबको आवश्यक है थोड़ी थोड़ी देर बैठ के से शांत हो जाना। ऐप तो है, सबके पास है, मेडिटेशन ऐप लगा के हमने सभी भाषाओं में कर दिया है, तो उसको लगा के सुनते जाइए थोड़ी देर सुबह शाम जब ध्यान करते हैं। आजकल इतने सारे रिसर्च वर्क हुई हैं इससे, कैसे एंजाइटी दूर हो जाता है, डिप्रेशन दूर हो जाता है, मन में एक नई उमंग जाग उठती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, इम्यून सिस्टम मजबूत होता है ध्यान करने से। ये सब बातें हैं, है ना। ध्यान का उपयोग तो, इसका लाभ तो अनंत है, गिनते रहो युग बीत जाएगा, इतने इसका अनु ध्यान से हमें लाभ है, लाभ ही लाभ है। ऐसे चीज़ को क्या होता है, जब बहुत अच्छी चीज़ होते हैं ना, वो कभी कभी आलसीपन में हमको लगता है अरे चलो छोड़ो अभी नहीं करेंगे कल करते हैं, कुछ ना कुछ बहाना बन जाता मन में, वो एक किनारे रख के दिन में भोजन करने से पहले करो। किसी किसी को दोपहर का ध्यान अच्छा लगता है, किसी किसी को सुबह का अच्छा लगता है, किसी किसी को शाम को अच्छा लगता है। तुम्हें जब भी अच्छा लगे उस वक्त ज़रूर करना, और जब अच्छा नहीं लगता तब भी करना, ठीक है ना। जब अच्छा नहीं लगता कुछ भी तब ध्यान करोगे तब भी अच्छा वो ठीक हो जाता है, अच्छा लगने लगता है। इसलिए ध्यान से मंगल ही मंगल है। हाँ ठीक है ना, करोगे ना, सब लोग करो। सो एवरी वन मेडिटेट, बिकॉज देर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, आई कैन नॉट इवन कॉम्प्रीहेंड दैट। दैट्स वाई वेदर सम ऑफ यू विल हैव डीप मेडिटेशन इन द मॉर्निंग, सम आर यू नो सम गेट वेरी गुड मेडिटेशन इन द नून टाइम, सम फील वेरी गुड इन द नाइट टाइम, बट सम वट एवर सूट्स यू, बट बिफोर मील डेफिनेटली मेडिटेट। या सो वेन यू फील गुड ऑफ कोर्स यू शुड मेडिटेट, वेन यू डोंट फील गुड दैट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू मेडिटेट देन ऑल्सो, सो यू हैव नो एस्केप, राइट। यू मेडिटेट एंड टेल एवरीबडी एल्स टू मेडिटेट। सी टूडे पीपल आर गेटिंग इन टू सो मच टर्मोइल, यू नो इन एंड अराउंड एवरीवेयर पीपल आर इन सच डिस्पायर, एंड वी नीड टू टेल देम टू लर्न मेडिटेशन एंड डू प्राणायाम सुदर्शन क्रिया। दिस विल गिव यू सो मच मेरिट, यू नो आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू। इन अनदर 8 days पूर्णिमा इज कमिंग, फुल मून इज कमिंग, मून इज कनेक्टेड विथ माइंड, यू नो माइंड एंड द फ्लूइड्स इन द बॉडी। मेक श्योर यू एटलीस्ट टू ऑफ योर फ्रेंड यू समहाउ टेल देम टू स्टार्ट मेडिटेशन। या टू ऑफ योर फ्रेंड्स यू मेक देम डू सुदर्शन कट, आस्क दोस यू हैव नॉट लर्न, व्हेन दे लर्न इट दे ओपन अप देमसेल्फ टू ए न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ, है ना। आप अभी पूर्णिमा है, आज अष्टमी है, एक हफ्ते के बाद पूर्णिमा, उससे पहले पहले आप क्या करोगे। हर एक व्यक्ति, कम से कम 2 लोग जिन्होंने अभी क्रिया नहीं किया, सुदर्शन क्रिया नहीं सीखा, उनको इसमें प्रविष्ट करा लो, उनको बोलो आप लोग करो, किसी तरह से 2 लोगों को आप उसमें कराओ, देखो आप कितना फर्क पड़ेगा। आपके मित्र या जो भी 2 व्यक्ति आपके जरिए
एक नए आयाम पर प्रवेश करते हैं और ध्यान का अनुभूति करते हैं, अनुभव करते हैं, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं, किसी का जीवन सुधर जाए इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं, इससे बड़ा पूजा भी नहीं, ये बहुत बड़ी पूजा है। इसलिए आप सबको ये संकल्प करो, दो लोग कम से कम आज हमारे साथ जो भी सत्संग में हैं, सब अपने मन में संकल्प ले लो, पूर्णिमा से पहले पहले कम से कम दो व्यक्तियों, ज़्यादा हो तो और अच्छा है, 10-15 व्यक्ति को तुम क्रिया सिखाओगे तो और अच्छा है, या अधिक मास में यही ज्ञान ध्यान तप इसमें चलना चाहिए। इसमें चलने से क्या होता है, जो भी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमारे अनुकूल होने लगते हैं। तो हमें ध्यान से क्या होता है, बल मिलता है, मैंने पहले ही बताया अनंत लाभ है। इसलिए सिर्फ अपना लाभ ले ले ये नहीं काफ़ी है, अपने औरों को भी लाभ पहुंचाने की चेष्टा जब अपन करते हैं तो उससे हमें पुण्य भी मिलता है, उनके जीवन में खुशहाली आ जाए, आती है ना। देखो आप सब लोग ध्यान करके खुश, तो आप सब लोग ध्यान करके इतने खुश होते हैं, इतना खुशी का अनुभव करते हैं। अब हमें ये खुशी को बांटना चाहिए, बांटने से खुशी बढ़ती है, बढ़ जाता है। सब लोग करिए, कम से कम दो व्यक्ति को सुदर्शन क्रिया मेडिटेशन सिखाने में आप लोग कारण निमित्त कारण बन जाओगे। लोगों का जब भाग्य खुलने का समय होता है तो वो सीखते ही हैं, जैसे आप लोगों ने सीखा, मगर उसके आप भी बीच में उसका थोड़ा लाभ उठा लो, जैसे आपके जरिए लोग, वैसे तो लोग आएंगे करेंगे, मगर आप भी उस, जब आप उनको इसमें प्रविष्ट कराओगे आपको भी उसका लाभ मिलेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छा, सबको बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद। जय गुरुदेव, ओम शांति।